हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। फाइनली गाइज, मैं गेट अनरेडी विद मी वाली वीडियो शूट कर पा रही हूँ आज। सो गाइज, एज यूजुअल मैं बेबी ऑयल लेके अपने फेस का पूरा मेकअप क्लीन कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी मेकअप रिमूवर ले सकते हो, माइसेलर वाटर ले सकते हो या कोई भी बाम ले सकते हो, बट मुझे विंटर्स में स्पेसिफिकली जॉनसन बेबी ऑयल से मेकअप रिमूव करना बहुत अच्छा लगता है। सो दैट्स वाई आई एम डूइंग इट। बहुत ईजिली मेकअप सारा रिमूव हो जाता है। अब मैंने वार्म वाटर में ये जो मेकअप रिमूवर टॉवल था इसको डिप कर रखा था एंड इससे मैं अच्छे से मेकअप को क्लीन कर रही हूँ। वार्म वाटर इसलिए क्योंकि जो भी पोर्स में भी मेकअप गया होता है ना, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और जो भी ऑयल होता है वो भी अच्छे से क्लीन हो जाता है अगर वार्म टॉवल हो तो। ठीक है, सो आप अपने हिसाब से वाइप से या जैसे भी आपको क्लीन करना है आप कर सकते हो। हर एक का अपना अपना हिसाब होता है यार मेकअप क्लीन करने का। ठीक है, और बट मेक श्योर दैट यू डबल क्लेंस योर फेस। अब जैसे मैंने ऑयल से किया है तो सारा मेकअप निकल जाएगा। सो इसके बाद ये देख लो, हालत देख लो। इसके बाद मैं फेस वॉश यूज कर रही हूँ, विच इज लाइक राइस वाटर ब्राइट क्लेंसिंग फोम। दिस इज बाय फेस शॉप और ये बहुत ही अमेजिंग है टू रिमूव ऑल द मेकअप, ऑल द गंक फ्रॉम योर फेस। सो डे एंड पे मैं स्पेसिफिकली जिस दिन मैंने ज्यादा मेकअप किया होता मैं इसी को यूज करती हूँ। और आज मेरा मन था स्क्रब करने का, सो मैं मोहा का हर्बल स्क्रब यूज कर रही हूँ। थोड़ा सा लेना है आपको अगर आप स्क्रबिंग नहीं भी करते हो, विच इज ओके, और अगर आप केमिकल एक्सफोलिएंट पे ज़्यादा यू नो रिलाई करते हो दैट इज़ फाइन, या फिर अगर आप होम रेमेडीज में कोई घर वाला स्क्रब देखना चाहते हो मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसमें चेक कर सकते हो। बट टुडे आई एम यूजिंग दिस मोहा वाला स्क्रब। इसके बाद मैं फेस पैक यूज़ कर रही हूँ, दिस इज बाय बायोटिक। बहुत ही स्मूथ फेस पैक है एंड 10-15 मिनट्स के लिए मैं इसको लगाऊंगी। थोड़ी स्किन को क्लीन कर देता है एंड विंटर्स के लिए बहुत अमेजिंग फेस पैक है ये, ज़रा भी स्किन को ड्राई आउट नहीं करता और अच्छे से क्लीन कर देता है। इसका और मोहा के हर्बल स्क्रब का रिव्यू जो है ना मेरे डिटेल में किया हुआ है, मैं लिंक डाउन कर दूंगी। ठीक है, अब मैंने फेस को धो लिया है एंड मैं रोज वाटर को स्प्रे कर रही हूँ। कंफ्यूज मत होना, ये गुड वाइब्स वाली बॉटल है, इसमें हनी टोनर था खत्म हो गया तो मैंने घर का बनाया हुआ रोज वाटर डाल दिया। ठीक है जी, अब ये मैं जो मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ ये मैंने घर पे बनाया है और मैं आपको इसका लिंक डाल दूंगी। बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है इफ़ यू हैव लाइक डार्क सर्कल्स या पिगमेंटेशन या ऑल इन ऑल जैसे विंटर्स में ड्राई स्किन हो जाती है, तो ये सब पे वर्क करेगा। और ये हिमालय की डिब्बी है, इसमें उनका नीम जेल था जो कि खत्म हो गया था तो मैंने इसी में बना लिया। ठीक है, तो आप मैं आपको लिंक डाल दूंगी नीचे, आप देख लेना, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, आप भी बना सकते हो। ठीक है जी, सो इसमें मैंने वैसे एलोवेरा जेल डाला है, अगर आपको एलोवेरा जेल नहीं डालना है तो आप कोई और जेल भी डाल सकते हो। और लिप बाम के लिए मैं वैसलीन यूज़ कर रही हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज, बाय बाय।